नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आपको याद होगा कि आगामी 16 जनवरी से जेके मीडिया कप का आगाज़ हो रहा है। इस मीडिया कप टूर्नामेंट के जितने भी आयोजन हैं वो दलादली और बीएयू के ग्राउंड में होंगे, और इस मैच का आयोजन आरपीसी भी कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं आरपीसी के जनरल सेक्रेटरी श्री अखिलेश सिंह जी। हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आप जो पिछले बार भी मैच कराए थे और इस बार भी मैच का आयोजन हो रहा है, जेके मीडिया कप आपकी ओर जो भागीदारी निभा रही है उस भागीदारी में और मीडिया के लोगों के लिए इस बार और क्या व्यवस्था है, आप क्या सोचते हैं, ये आप इन्हीं से जानिए। जी अखिलेश जी, आपका जेके न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कैसे मैच हो। देखिए, ये दूसरा सीज़न है मीडिया कप का। पहला सीज़न जेके मीडिया और जेके इंटरनेशनल के सहयोग से ही हुआ था। इस बार जेके इंटरनेशनल पर ज़्यादा हम लोगों ने विश्वास किया, और आप देखेंगे कि जो आप लोगों ने मैदान है, आप लोगों का आपका स्टेडियम है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है। एक बढ़िया स्ट्रक्चर पे पत्रकारों के लिए खेलना एक नया अनुभव भी देगा। और चूंकि कोरोना का जो एक साल का जो पूरा ये वक्त रहा 2020 का, तो एक निराशा वाली जो स्थितियाँ थी, माहौल जो था, उससे अलग हट के एक जोश का माहौल बना है मीडिया कप से। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट का अच्छे से एंजॉय करें उसमें, और अपने 16 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा तो वहाँ पे भी अपने परिवार के साथ भी लोग आएँ और उस परिवार के साथ भी लोग एंजॉय करें। ये जो मीडिया कप हो रहा है और जो होगा हो ही रहा है, तो इस मीडिया कप में मीडिया कर्मियों के लिए क्या है? देखिए, यहाँ पे लगभग 250 से अधिक पत्रकार जो हैं, हमारे जो क्लब के मेंबर हैं, वो इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और 12 टीमें बनी हैं, 12 टीमों का जो पूरा शेड्यूल है वो आज हम लोगों ने जारी किया। 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा, 27 को फाइनल होना है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पूरे पत्रकार साथी हैं, लगभग 1100 मेंबर्स हैं हमारे साथ में, और उसमें से लगभग 250 लोग, तो आप देखेंगे कि उत्साह इतना ज़्यादा है कि 1/4 लोग हमारे साथ टूर्नामेंट में उतरेंगे। और पत्रकारों को एक अलग तरह का माहौल मिल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट से। अपने काम से वक्त निकाल कर, लोगों की सुबह मीटिंग होती है, उसके बावजूद आप देखेंगे रात रात भर काम करते हैं लोग, उसके बाद भी आप देखेंगे सुबह में जिस जोश के साथ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उनके भीतर से निकल रही है, और ये काफ़ी अच्छा एक माहौल बना है हमारे साथियों के लिए। और आगे की जो रणनीति है, आप अजय टीम में भी हैं जो ऑर्गेनाइजर टीम से भी खेलेंगे, तो आपकी इसमें एज ए प्लेयर क्या भूमिका होगी? एज ए प्लेयर, चूँकि प्रेस क्लब हम 15 लोग जो हैं, वो हम लोगों ने सोचा कि जब सारे लोग खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हमें भी होना चाहिए, रिप्रेजेंट, अलग रिप्रेजेंट करना का ऐसा कोई, हमारा टीम जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जीते, और वैसे कोई भी जीते, लेकिन जीत ये जो है वो पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी की होगी और क्लब का होगा, जेके ग्रुप का होगा। और ये चूंकि ये कोई वैसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें हम लोग बहुत एग्रेसिव हो के और कोई रणनीति के साथ, ये हम लोग एंटरटेनमेंट के लिहाज से भी खेल रहे हैं, तो उस तरह से हम लोग कोई ख़ास रणनीति नहीं बनाए हैं अपनी जीत के लिए। और चूँकि टूर्नामेंट बेहतर हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसमें ही हमारी जीत है। आप युवा हैं और युवा दिलों की धड़कन भी लोग आपको मानते हैं, और जैसा आरपीसी में के इलेक्शन में आपकी जो भूमिका थी और जिस तरह से आपने जीत हासिल की वो काबिले तारीफ है। ऐसे में मैं यह जानना चाहता हूँ, या जेके न्यूज़ नेटवर्क यह जानना चाहता है कि युवा पत्रकारों के लिए ही नहीं बल्कि सभी पत्रकारों के लिए इस बार आरपीसी 2021 में कैसे कैसे चीज़ का जो है सो वो करना चाह रही है। जैसे आपने पुस्तकालय खोल लिया, कुछ और भी वैसे एक्स्ट्रा इवेंट्स वगैरह आयोजन होंगे जेके क्रिकेट मीडिया कप के अतिरिक्त? बिल्कुल, जैसे 2020 में फरवरी में हमारी कमेटी आई थी चुनकर, उसके बाद एक महीने की शुरुआत में ही हम लोगों ने कुछ इवेंट्स उस समय कराए थे। आपको याद होगा पहली बार महिला दिवस पे सारी रांची की जितनी महिला पत्रकार थी उनको सबको सम्मानित किया गया था, उनको एक तरह से अपनी टीम के साथ हम लोगों ने जोड़ा कि वो उस तरह से एक्टिव हों। कई बार क्लब में लोग महिला पत्रकार नहीं आती, उनका उनकी भागीदारी नहीं होती, तो हम लोगों ने सुनिश्चित कराया। बाद में होली मिलन समारोह भी हुआ, उसके बाद चूंकि पूरा वो पीरियड रहा वो कोरोना लॉकडाउन के कारण, हम लोग कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं करा पाए, लेकिन उस दौरान भी आप देखेंगे हमारी टीम के लोग लगातार पत्रकार साथियों तक मास्क सैनिटाइज़र पहुँचाए वो लोग,
और जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए हम लोगों ने खाने की व्यवस्था की। कई लोग ऐसे थे जो बाहर के शहर से आके यहाँ पे काम कर रहे थे और सारा सिस्टम बंद हो गया, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो उस समय उनके लिए प्रेस क्लब जो है एक वो आसरा की तरह था। और हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों ने उस दिशा में सही काम किया, हमारे टीम के मेम्बर्स ने अच्छा काम किया। अब जो आने वाला साल है उसके लिए भी ये एक शुरुआत है। हम लोग इंटेलेक्चुअल गतिविधियाँ बढ़ाने वाले हैं आने वाले साल में। जो पत्रकार हैं उनको उनके अलग अलग जो विषयों को कवर करते हैं उस विषयों पर हम लोग सेमिनार आयोजित करेंगे, उससे जुड़े एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने रूपरेखा तय कर ली। आने वाले टाइम में हम लोग सबसे पहले वो करने जा रहे हैं आप पर्यावरण को लेकर, पर चूँकि पत्रकार हम लोग आम ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं, मैं खुद क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ और पॉलिटिक्स पे कवर करते हैं लोग, तो ये तो प्राइम बीट है, लेकिन कई बार पर्यावरण जैसे मुद्दे जो होते हैं वो मतलब पत्रकारिता में कई बार छोटे शहरों में, खासकर हम जैसे शहरों में होते हैं, वहाँ गौन हो जाते हैं। यहाँ बस वो मौसम की खबर तक ही, पर्यावरण की खबरें जो होती हैं वो सिमटी रह जाती हैं। तो उन चीज़ों को फोकस करने के लिए हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग फेलोशिप शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण पे जो लोग लिखेंगे उनके लिए, और उसके लिए अलग से जागरूकता कार्यक्रम वगैरह पे भी हम लोग काम करेंगे, जिसको लेके प्लानिंग चल रही है और उस पर जल्द ही आप लोगों को बताया जाएगा उस पर। और इंटेलेक्चुअल गतिविधियाँ बढ़ेंगी, उसके अलावा पत्रकारों के बीच में थोड़ा एंटरटेनिंग माहौल बने और कई बार हैंगआउट करने के लिए वो हम लोगों ने 4th फ्लोर पे नए तरीके से और अच्छा बेहतर रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की योजना है, जिस पे वीकेंड पे लोग यहाँ पे आके फैमिली के साथ एंजॉय करें और यहाँ पे वक्त गुजार सकें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क, और ऐसे ही सेगमेंट और ऐसे ही RPC के मेंबर के साथ हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। और जेके न्यूज़ नेटवर्क 16 जनवरी से आयोजित हो रहे जेके मीडिया कप का पल पल की गतिविधि की जानकारी आपको देंगे, हो वहाँ पे लाइव प्रसारण भी किए जाएंगे और फील्ड पे जितने भी प्लेयर्स आएंगे, मीडिया कर्मी ही होंगे लेकिन वो प्लेयर्स आएंगे, खूब धमा चौकड़ी मचेगी। और मैं एक बार जेके न्यूज़ नेटवर्क की ओर से अखिलेश जी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।